दो दिन पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भाजपा पर फिर से हमला बोला था। साथ ही समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि सपा ने अफवाह फैलाई कि मायावती बीजेपी से हाथ मिलाकर राष्ट्रपति बनना चाहती हैं। फिर मायावती ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मैं राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। वहीं मायावती के बयान पर अब भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार करते हुए कहा है कि सपने देखने का हक सभी को है, मायावती सपना देखती रहें। उन्होंने कहा कि भाजपा की वजह से ही मायावती आज जिंदा हैं। साक्षी महाराज ने बीते विधानसभा चुनाव में मायावती की ओर से भाजपा की खुलकर मदद करने की बात भी कही। साक्षी महाराज ने कहा कि हम लोग नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन आज मायावती इस दुनिया में जिंदा हैं तो वो भाजपा के कारण हैं, नहीं तो समाजवादी पार्टी उनको खा गई होती। अब वो कुछ भी बनना चाहें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि हमारी पार्टी और हम लोग मायावती का सहयोग करना चाहते हैं, जितना सम्मान कर सकते हैं करेंगे, लेकिन सोच तो व्यक्ति की अपनी है, सपने भी अच्छे से अच्छे देखने चाहिए, वो खुद समझदार हैं। उन्होंने 2022 के चुनाव में खुलेआम कहा था कि समाजवादी पार्टी से हमारी लड़ाई है, बीजेपी से नहीं। जहां हमारी पार्टी नहीं जीत रही है वहां भाजपा को वोट देना चाहिए, इसके लिए हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। वहीं उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने प्रदेश में इन दिनों धार्मिक स्थानों पर से लाउडस्पीकर उतारने के प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान पर कहा कि योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर उतारने के लिए बिल्कुल नहीं कहा है, बल्कि उनकी मंशा यह है कि जो भी शोर धार्मिक स्थलों से बाहर निकलता है उसकी सीमा निर्धारित रहे और सारी आवाज़ धार्मिक स्थानों के अंदर तक ही सीमित रहे। साक्षी महाराज ने इन दिनों प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के बीच चल रही तलखी पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि यह दोनों का व्यक्तिगत और परिवार के अंदर का विवाद है और इसे वो लोग चार दीवारी तक ही रखें। आजम खान पर शिवपाल और प्रमोद कृष्णन को लेकर दिया ये बयान भाजपा सांसद ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान पर शिवपाल यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन की ओर से दिए गए बयानों पर भी चुटकी ली। भाजपा सांसद ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान पर शिवपाल यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन की ओर से दिए गए बयानों पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ज्यादती क्या होती है या पहले सत्ता में रह चुके या दोनों नेता बखूबी जानते हैं। ज्यादती तो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाकर की गई थी जब सरयू नदी का पानी लाल हुआ था। यही नहीं, ज्यादती तो मुजफ्फरनगर में हुई थी जब वहां के निर्दोष लोग शासन सत्ता की बदसलूकी का शिकार बने थे। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।